नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो ये कोटेदारों के लिए है और कोटेदारों की एक विशेष जानकारी से संबंधित है, और इस वीडियो को आप जरूर देखिए और जरूर शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और अब तक जिन लोगों ने, आप लोगों से हमारे जो भी कोटेदार हैं, हमारे जो भी कार्ड धारक हैं, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जो मुख्य चीज है, वो बताने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें लिंक दिया हुआ है हमारा टेलीग्राम चैनल का, तो प्लीज उस लिंक को आप जरूर क्लिक कर ले, उसमें जरूर आप जुड़ जाइए। हमारे जो चैनल भी है, ग्रुप भी है, आप ग्रुप में जुड़ जाइए, तो जैसे ज्यादा लोग होंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम यूं ही कर देंगे और बड़े आराम से हम उसका जवाब भी देते हैं। आपको कोई ऐप के लिंक चाहिए हो तो वो भी मैं भेज देता हूं। तो इस तरीके से हम लोग आपस में कम्युनिकेशन हमारा बना रहेगा। इसलिए जो डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे, हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, और उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का जो मकसद है, एक आप लोग लगातार, आप तक खबर भी धीरे धीरे पहुंच रही होगी कि जनवरी में कोटेदारों का एक आंदोलन हो सकता है। एक आंदोलन उनकी जो अंदर से चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कोटेदार लोग आंदोलन के लिए। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लगातार अपनी मांगे सरकार से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। अब अगर हम कोटेदारों की कमाई, जो अर्निंग है, उस पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। एक अर्निंग मैं उन कार्डधारकों को भी बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भी कार्डधारक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि हकीकत में कोटेदारों की कमाई क्या है, अर्निंग क्या है। और मैं ये आपसे निवेदन भी करूंगा कोटेदारों से कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने गांव में, और जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि कोटेदार चोर हैं, ये हैं, वो हैं, तो जरूर आप ये वीडियो दिखाएं। अब अगर कोटेदारों की कमाई की बात करी जाए तो 90 रुपए प्रति क्विंटल ये है कमाई। अब अगर औसत निकाला जाए, कुछ कम के कोटेदार हैं, कुछ ज्यादा ज्यादा कोटे, किसी के पास 30 क्विंटल है तो किसी के पास 100 क्विंटल है, इस तरीके से अगर इनऑन एवरेज निकाला जाए, तो मैं मान के चलता हूं कि 40 क्विंटल गल्ला का एवरेज हम निकाल लेते हैं, कि अगर 50 भी होता है तो बढ़ता कम है तो 40 ही बढ़ता है। तो 40 क्विंटल गल्ला का अगर हम एवरेज निकालें एक कोटेदार का, तो आप ये मान के चलिए 40 क्विंटल में उस कोटेदार की जो वास्तविक कमाई है 90 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, 9×36, 3600 रुपए कोटेदार की अर्निंग है मंथली। अब आप बताइए कि क्या इतनी अर्निंग सही है, वो भी इसमें अभी बहुत से पेंच है, ये अर्निंग भी ऐसी स्वैच्छिक नहीं है कि नहीं 3600 रुपए आगे जेब में ही रख लिए कोटेदार ने, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी पेंच है कि अगर आपका 1 किलोमीटर दूर गल्ला आ रहा है, अंदर नहीं आ रहा, तो आप ट्रैक्टर ले जा रहे हैं। आपके यहां कोई आ गया, उन्होंने कह दिया जी अंत्योदय कार्ड बनवाइए, लोगों को आप बुला रहे हैं, उनको चाय भी पिला रहे हैं, उनका खर्चा भी कर रहे हैं, 50 कोटे हैं, कई बार आपको सीडिंग आदि में भागना पड़ता है, पेट्रोल खर्चा होता है, आप कार्यालय तक भाग रहे हैं, तो बहुत सारे खर्चे और 3600 रुपए, तो ये है वास्तविक कोटेदारों की कमाई। ठीक है, किसी का 50 क्विंटल है तो 4500 हो जाएगा, किसी का 100 है तो 9000 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 100 क्विंटल वाले बड़े कोटेदार होते हैं, छोटे नहीं होते। तो अब ये 3600-4500 रुपए में क्या घर चल सकता है, मैं खाली ये पूछना चाहता हूं। तो 3600-4500 रुपए की जो अर्निंग है, अच्छा इसमें भी एक लोचा और है भी कि जो माल आता है वो भी पूरा नहीं मिलता। बेशक अब घर तक आ रहा है, बहुत ही अच्छी सुविधा करी है सरकार ने, आपके घर तक गल्ला आ रहा है, ठीक है, जो कोटेदार थोड़ा अंदर है उनको दिक्कत हो रही है, वो अपना ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो रोड पर है उनके घर तक गल्ला आ रहा है, ये उसमें भी अभी भी 10-20-50 किलो कम ही मिलता है, ऐसा नहीं होता उनको 100% मिल रहा है, ये भी अभी समस्या है बहुत जगह। हालांकि इनमें भी सुधार की गुंजाइश है, संभव है, बहुत से कोटेदार लड़ भिड़ के पूरा भी लेते हैं और लेना भी चाहिए। मैं फिर ये कहता हूं आप कोटेदारों से भी, आप कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं चलानी है आपको, आप अपना पूरा गल्ला लीजिए, लड़िए अपने अधिकार के लिए, आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि समाज में आपको चोर बताया जाता है जबकि आप होते नहीं। परिस्थितियां पहले दूसरी थी लेकिन आज डेट में वो परिस्थितियां नहीं है। अब चूंकि कई बार अभी ब्रजेश पाठक जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव से पहले उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था सरकार आते ही कुछ करेंगे, दोबारा में फिर से वो सरकार में आए, फिर उनकी मीटिंग हुई थी पिछले महीने, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम कोशिश करेंगे, हम करेंगे, बात करेंगे, तो बात ही चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये मजबूरी है कोटेदारों की कि वो लगातार अपनी बात कह रहे हैं और लगातार
अपनी कोशिश कर रहे हैं, कई संगठन हैं, संगठनों में भी विरोधाभास रहता है, लेकिन उन सबके बावजूद इस बार जो संगठन है कोटेदारों के, ये एक्टिव हैं और ये अपनी बात सरकार तक पहुंचा भी चुके हैं और 30 तारीख को जहां तक मुझे पता है ये अपना ज्ञापन भी देंगे सरकार को कि वो ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मेरी भी यही शुभकामनाएं रहेंगी कोटेदारों के साथ में कि आपकी बात सुनी जाए और आपका कमीशन बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर 3,4500 रुपए ये कोई कमीशन नहीं है और इससे कोई भी व्यक्ति घर नहीं चला सकता, ये तो सिर्फ पॉकेट मनी हो सकती है और वो भी नहीं है ये। तो इसीलिए ये मुख्य वीडियो था और मैं जो अर्निंग की मैंने जो थंबनेल में लिखा था अर्निंग की बात, तो ये बतानी बड़ी जरूरी है कि लोगों को ये बताना जरूरी है कि वास्तव में कोटेदार की अर्निंग क्या है। तो आप समझिए कि 40 क्विंटल वाला कोटेदार मात्र 3600 रुपए उसकी कमाई है। बाद में लोग कहते हैं कि घटतौली होती है, ये होती है, ये सब तो मजबूरियां बन जाती हैं, आगे मजबूरियां बन जाती हैं ये सब, और हालांकि ये गलत है, उन पे कार्रवाई भी होती है, अगर घटतौली करी तो कोटा निलंबित होगा। तो निश्चित तौर पर आमदनी बढ़नी चाहिए कोटेदारों की और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहूंगा और मैं निवेदन भी करूंगा, जो भी हमारा चैनल अधिकारी सुन रहे हैं, जो भी हमारे देखते हैं, मैं उन सबसे ये निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर आपका कमीशन बढ़ाया जाए और इस चैनल के माध्यम से, हमारे ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमारा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी पता चले कि वास्तव में कोटेदारों की अर्निंग क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और आप वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।